आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 7 दिसंबर की शुरुआत दान की। एक सबसे बड़ी बीमारी जो हम सबके अंदर आई हुई है, मेरापन, मैंपन, मैंने किया, मेरी सोच, मेरा आइडिया, मेरी बात मानो ना, मैं ही ठीक सोचती हूँ, मैं ही ठीक सोचता हूँ, मेरे पास है इसका आइडिया, मेरे को इसका एक्सपीरियंस है, मैंने इतना कुछ किया लाइफ में, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन हैं, मैंने यहाँ यहाँ जा करके काम किया, मैंने अगर स्पिरिचुअलिटी में आया, मैंने यहाँ सेवा करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों का भला किया, मैंने इतने लोगों की मदद करी, मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत भारी कर देती, क्योंकि अगर हमने एक प्रूफ कर दिया कि मैंने इतना काम किया तो मुझे उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने किया कि करवाया परमात्मा ने या भगवान ने या अल्लाह ने, अगर ये कहें कि उन्होंने करवाया तो वो जाने मुझे नेक्स्ट कहाँ यूज़ करना है, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने वो किया तो मुझे उस चीज से बंधन हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने कह दी कि मैंने ये सारी चीजें करी हैं तो मुझे खरा उतरना पड़ेगा, उस लेवल पर प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत बर्डन आ जाएगा, बहुत भारीपन आ जाएगा लोगों को दिखाने के लिए। और अगर अगली बारी अगर नहीं किया वैसे तो फिर आप सोचिए क्या होगा, स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान मैंने ही दिया है, सारी दुनिया मेरी ही रची हुई है, चाहे आप भौतिक ज्ञान की तरफ देखें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, एनीथिंग, चाहे आप दुनियावी ज्ञान को छोड़ करके आप आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आ जाएं, तो हर चीज, जब सारा संसार ही परमात्मा की रचना है, अगर सारी रचना ही उनकी है तो सारा ज्ञान भी उनका है, तो हम उसके ऊपर लेबल कैसे लगा सकते हैं, फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, हम कैसे कह सकते हैं कि मैं इसका फादर हूँ या मैं इस नॉलेज का पेटेंट कैसे रखूँ। ये पेटेंट रख ही नहीं सकते हैं। आज दुनिया में पेटेंट रखते हैं, आज दुनिया में पैसे कमाते हैं नॉलेज के ऊपर। परमात्मा कहते हैं कि वो भी एक बहुत सूक्ष्म अहंकार है, बहुत गहरा अहंकार है। देखा जाए तो धन और ज्ञान को जोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि ज्ञान बहुत सीमित हो जाता है, अहंकार तक सीमा उसकी बन जाती है, उसके आगे नहीं जा पाता है। तो देखिए आज परमात्मा कहते हैं, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर, मेरेपन की मैल को समाप्त कर, बोझ से हल्का रहने वाले, सोचिए ये मेरापन भी बोझ है, वाले फरिश्ता भवा, मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। मैंने किया, मैंने सोचा, मैंने वो किया, प्रूव करना, और फिर लोगों से अगर हमें थोड़ी सी भी मिल जाए कि भैया अरे वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा किया, अरे अच्छा अच्छा वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, तो जो प्रजा होती है ना, जो किसी को प्रूव करती कि साहब मैंने ये किया, या राजा साहब मैंने ये काम कर दिया, एंड राजा साहब कहते हैं बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें राजा जैसा रॉयल बिहेवियर करने वाला बनना है, परमात्मा ये चाहते हैं। तो हमें किसी के सामने अपने आप की महिमा, अपनी महिमा ना खोजनी है ना करनी है कि मैंने ये किया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरेपन का विस्तार ही बोझ है, कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव है ना, कि ये मेरी नेचर है, मेरा संस्कार, कुछ भी मेरा है तो बोझ है ना, कि ये मेरा संस्कार है, मेरे अंदर इतनी अच्छी आदतें हैं, ये मेरी नेचर है, अरे कोई नहीं, ये जो मेरी नेचर है ऑटोमेटिकली हो जाती है ऐसी चीजें मेरे से। परमात्मा कहते हैं ये भी क्या है, बोझ है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको वो लोग परखेंगे कि देखते हैं इस बारी करता है कि नहीं करता है, करती कि नहीं करती, सेम जो उसने बहुत अपने बारे में महिमा करी हुई है। लोगों के आप दायरे में आ जाओगे, लोगों की आप दूरबीन में आ जाओगे, एंड लोग आपके ऊपर निगाहें गाड़ के रखें कि एक गलती तो करे, इसलिए अपनी महिमा ना करो, परमात्मा जो करवा रहा है वो करो। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, वो हल्का नहीं रह सकता है, उसको चिंता रहेगी कि मेरे को नेक्स्ट टाइम फिर से प्रूव करना है कि मैं उस पे खरा उतर सकता हूँ, मैं मुझे फिर से कम्पीट करना है, मुझे फिर से औरों से बेटर करना है। और उस स्ट्रेस में, आज टेंशन में, आज एंग्जाइटी में, आज डिप्रेशन में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा औरों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसे महिमा खोजते रहते हैं, और जब महिमा मिल जाती है तो फिर उनको वो लेबल मिल जाता है, उस लेबल पर खरा उतरना फिर मुश्किल होता है, बोझ बन जाता है। फरिश्ता बन नहीं सकता वो इंसान, कभी हल्का होकर फरिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि उसको हर जगह जो उसने लेबल अपने लिए चुन लिए हैं, वो उस लेबल के अंदर ही वो सीमित हो जाती है, वो आत्मा, वो व्यक्ति, कि भैया मैं ये करता हूँ, मुझे इसी चीज के ऊपर चलना है, लोग मुझे इससे पहचानते हैं, तो वो फरिश्ता नहीं बन सकता। फरिश्ता मतलब कि वो हर जगह किसी भी समय किसी भी टाइम पर किसी भी व्यक्ति के सामने आकर किसी सेवा कर पाए। तो आप फरिश्ता बनना चाहते हैं कि आप एक जगह पर एक टाइटल के साथ फंस जाना चाहते हैं, परमात्मा से पूछ रहे हैं अभी ये इस वरदान के द्वारा।
संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। इमेजिन परमात्मा ने क्या वर्ड यूज किया, भगवान ऐसे वर्ड यूज करें कि आप मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। हम कहते हैं पाक साफ, अगर आप देखें मुस्लिम धर्म में कहते हैं पाक साफ, सिख धर्म में कहते हैं खालसा पवित्र, और पतित से पावन बनना कहा जाता है आदि सनातन धर्म में, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं गलती से। तो आदि सनातन धर्म में कहते हैं पतित से पावन, पावन। तो गंगा नहा लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर ये सूक्ष्म अहंकार है तो कोई फायदा नहीं होगा। अमृत चक्र लीजिए आप जितना जाकर के, अगर आपके अंदर ये सूक्ष्म अहंकार है तो आप परमात्मा की नजर में आप मैले हैं, आप पाक साफ नहीं हैं। आप चाहे जितना जाकर के जहां पर भी आप तीर्थ कर लें, पाक साफ नहीं है परमात्मा कहते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो। ये बोझ किसके ऊपर डाल दें, ये आपका ज्ञान है, आपकी बनाई हुई दुनिया है, जो कुछ भी है सब कुछ आपका है, मैं बस मुसाफिर हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कोई टाइटल्स नहीं है, मेरे कोई लेवल्स नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं है, मेरे को किसी को कुछ प्रूव ही नहीं करना है कि मैं कौन हूं। मैं अकेले आया था, अकेले जाऊंगा, यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आया हूं, लेकिन मेरा किसी भी एक्टिंग, किसी भी लेवल, किसी भी टाइटल के साथ में कोई भी भावनात्मक जोड़ नहीं है। वो सिर्फ एक टाइटल है जिसपे मुझे काम करना है बस, लेकिन वो मैं टाइटल नहीं हूं, टाइटल मैं नहीं हूं, और मैं टाइटल नहीं हूं, और टाइटल मैं नहीं हूं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन के मैल को, कि मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे, हल्के हो जाओगे आप। तो आप करना क्या चाहते हो, हल्का होना चाहते हो कि भारी होना चाहते हो, परमात्मा हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अगर आपको इसके बारे में और समझना है कि ये हल्का कैसे हो जाते हैं और हमारे अंदर कौन कौन सी और मैले हैं, तो उसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं। अगर आप इंटरनेशनली सुन रहे हैं तो आप www.brahmakumaris.org पर जाएं, और अगर आप नेशनल भारत में सुन रहे हैं तो .com लगा दें, आपको वो सेंटर पता चल जाएगा। निःशुल्क जाकर के ये विद्यालय वहाँ से, हल्के होने के लिए। इसके साथ ओम शांति।